नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कैरियर ग्लोज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी की तरफ से निकाली गई जॉब अपडेट के बारे में। डीटीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। 2022 के लिए वैकेंसीज आउट की गई है, जिसमें की जो आपके लिए पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट फोरमैन, असिस्टेंट फीटर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। काफी अच्छी आपके लिए वैकेंसीज आउट की गई है। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इजियर सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है एंड एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे इनके ऑफिशियल नोटिस की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें कि आप यहाँ पे वैकेंसीज को देख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकाली जा रही है, जो की आपके वन ईयर के लिए यहाँ पे रहेंगी। एंड यहाँ पे जो आपकी रहने वाली है, सब्जेक्टेड आपकी जो भी रहेंगे रिक्वायरमेंट, सेटिस्फेक्ट्री जो भी परफॉर्मेंस आपकी रहती है, उसके बेसिस पे ये एक्सटेंडेबल आपकी रहने वाली है। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की, वो 18/4/2022 से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट इसमें जो रहेगी 4/5/2022 रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी दी गई है वो आप देख सकते हैं असिस्टेंट फोरमैन रिपेयर एंड मेंटेनेंस में दी गई है। 112 नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, जिसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 46,374 रुपए रहने वाली है। टोटल आपकी मंथली सैलरी जो रहेगी वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। बाकी असिस्टेंट फीटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 175 पोस्ट दी गई हैं, इसमें आपकी सैलरी जो रहेगी वो आपकी 17,693 रहेगी अंडर आपके मिनिमम वेजेस के एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 17 पोस्ट रखी गई है, जिसमें की 17,693 आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। जो सबसे ज्यादा सैलरी आपको दी जा रही है असिस्टेंट फोरमैन के लिए दी जा रही है, जिसमें की 46,374 रुपए आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी दी गई है, जो भी एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी एप्लीकेंट की, वो 4/5/2022 से पहले पहले की आपकी होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको डीओपीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी जाएगी। एंड जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका मार्क्स के बेसिस पे रहेगा, जो भी आपने सिक्योर किए होंगे अपनी मेरिट में एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, जो भी आपके मार्क्स रहे होंगे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जो वो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर्म को अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप डीटीसी की वेबसाइट पर जाकर जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके एप्लीकेशन दी गई है, इसमें जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वन ईयर के आपकी जो यहाँ पे रहने वाली है एक्सटेंडेबल जो रहेगी, इसमें असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है 112 पोस्ट के लिए, 3 ईयर्स डिप्लोमा आपका होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपने की हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो वैकेंसीज रहेंगी, इसमें आप जनरल के लिए 58 पोस्ट दी गई हैं, 16 पोस्ट एससी के लिए, 8 पोस्ट एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 30 एंड टोटल आपकी 112 पोस्ट रहने वाली है। इसमें सैलरी आपकी जो रहेगी 46,374 रहेगी, 18 से 35 यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है। असिस्टेंट आपकी फीटर की पोस्ट के लिए, जो की आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रहेगी, 175 पोस्ट, इसमें आपकी आईटीआई होनी चाहिए, जो कि आपकी मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए, डीजल मैकेनिक में, ट्रैक्टर मैकेनिक में, ऑटोमोबाइल फीटर में कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा या तो आपने यहाँ पे जो वो आपका 3 साल का यहाँ पे आपकी अप्रेंटिसिप कर रखी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपकी 18 से 25 मैक्सिमम एज रहेगी, सैलरी आपकी यहाँ पे 17,693 रहने वाली है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे सेम आपकी इलेक्ट्रिकल में जो वो आपका यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए, या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका 3 साल का जो वो आपकी अप्रेंटिसिप यहाँ पे होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे रहेगी, 17,693 आपकी यहाँ पे जो वो सैलरी रहने वाली है। जो भी आपकी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी वो एज पर आपकी डीओपीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो काफी अच्छी आपके लिए वैकेंसी रहने वाली है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।